नमस्कार, starsap.in में आपका स्वागत है। कल मुझसे एक कर्नल साहब ने एक क्वेश्चन पूछा कि राजू, चंडीगढ़ में एक फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ 90 लाख रुपया का, तो मुझे ये कैलकुलेशन करके बताओ कि कुछ पैसा डाल रहा हूँ और कुछ पैसा ईएमआई ले रहा हूँ, तो इस तरह से करके मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पे एक फ्लैट ले रहा हूँ, तो क्या मुझे वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप कैलकुलेट करके बताइए। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए है सर, और इसी तरह का थॉट्स न जाने कितने लोगों के मन में आता है, तो उनको थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी आ जाए इसके लिए कैलकुलेशन देखते हैं कि 90 लाख रुपया का आप फ्लैट लेना चाहते हैं और 10 साल में उसको आप ईएमआई पे भी करना चाहते हैं और 40 लाख रुपया डाउन पेमेंट करते हैं पहला, और 50 लाख रुपया का लोन लेते हैं जिसका ईएमआई 58,000 पर मंथ जाता है। 90 लाख का फ्लैट है, 40 लाख रुपया आपके पास है प्रोविडेंट फंड में, उसको आपने निकाल के डाल दिया, बाकी 50 लाख रुपया का ईएमआई लेते हैं जो 10 साल में आपको 58,000 का ईएमआई जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि तब तक फ्लैट खरीदना नहीं चाहिए जब तक अपना पैसा ना हो जाए, तो मैं ये बोलता हूँ कि रेंट पे रहना चाहिए और उसके बाद जो है अपना पैसा होगा तब खरीदेंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने उस फ्लैट को रेंट पे ले लिया, 15,000 के रेंट पे वो फ्लैट मिल रहा है जिसमें 3,000 रुपया मेंटेनेंस चार्ज है, तो इफेक्टिव कॉस्ट आपको कितना आया, फ्लैट का चार्ज आया 12,000 रुपया। जो मेंटेनेंस चार्ज है जब आप अपना फ्लैट खरीद लेंगे 90 लाख का, तब भी आपको 3,000 रुपया मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और अगर रेंट पे है तो मात्र 15,000 है और उसी के अंदर 3,000 रुपया मेंटेनेंस जा रहा है, यानी आपको पर मंथ रेंट कितना पड़ा, 12,000 रुपये पर मंथ, क्योंकि जब अपना घर लेंगे तब भी देना पड़ेगा और यहाँ इसके अंदर ही इनबिल्ट है, तो मैं उस 3,000 को दोनों से माइनस करता हूँ, तो इफेक्टिव कॉस्ट आपका 12,000 रुपये पर मंथ का रेंट आया। अगर आने वाले 10 साल तक हम रेंट पे रहें और जो पैसा हमने वन टाइम दिया था और ईएमआई लिया था उसको हम इन्वेस्ट करके रखें, 40 लाख रुपया जो वन टाइम दिया था उसको 10 साल के लिए 10% के रेट से अगर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके रखें तो 1,03,00,000 रुपये बनता है, और 58,000 का जो ईएमआई लिया था उसको 10 साल के लिए 10% के रेट से एसआईपी का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 10 साल में बनता है 1,19,00,000। इस दोनों को जोड़ देते हैं तो आता है 2,22,00,000। तो ये हो गया समीकरण वन। अब ये देखते हैं कि जो पैसा हम 12,000 रुपया रेंट दे रहे हैं और जो फ्लैट बाद में खरीदेंगे उसका कैलकुलेशन देखते हैं कि 12,000 रुपया मान लीजिए हम रेंट दे रहे हैं 10 साल तक देंगे, और वो जो मालिक जिसको हम पैसा दे रहे हैं रेंट, वो 10% के रेट से म्यूचुअल फंड खरीद ले, एसआईपी कर ले, तो 12,000 रुपये पर मंथ 10 साल के लिए 10% के रेट से वो पैसा बनाएंगे 24,78,000। और जो 90 लाख का फ्लैट जो हम आज नहीं खरीदे वो 10 साल के बाद अगर खरीदे, 4% के इन्फ्लेशन के रेट से वो पैसा बनता है 1,33,00,000। जो हमने आज फ्लैट नहीं खरीदा वो 10 साल के बाद कितने का होएगा, अगर 4% का इन्फ्लेशन है 10 साल के बाद उसका कॉस्ट होएगा 1,33,00,000। मैथमेटिक्स यही बोलता है, हमारा दिमाग बोल सकता है कि 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का हो सकता है, पर मैथमेटिक्स ये बोलता है 4% के इन्फ्लेशन के रेट से 90 लाख का जो आज का फ्लैट है 10 साल के बाद वो 1,33,00,000 का होगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, जो 12,000 रुपये पर मंथ मालिक को जा रहा था प्लस मालिक को गेन होएगा 1,33,00,000 में 10 साल के बाद बेचेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए आता है 1,58,00,000। इस 1,58,00,000 रुपये को अगर हम 10 साल के बाद खरीदते हैं तो ये हमें पे करना पड़ेगा, हमने बनाया था 2,22,00,000 और अब इसमें 1,58,00,000 को माइनस करते हैं तो 64,00,000 रुपया का बचत होता है 10 साल में। 10 साल में हम 64,00,000 रुपया का बचत करते हैं। ये कैलकुलेशन मात्र 10 साल के लिए था, यदि ये कैलकुलेशन 15 साल के लिए हो और 12% का रिटर्न हो तो 5,11,00,000 रुपया बनता है। यहाँ पे हमने 10% कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमने 12% कैलकुलेट किया और 15 साल के लिए 5,11,00,000 रुपया बनता है। तो यदि अगर मुझसे पूछेंगे राजू से, तो राजू तो आज भी 10,500 के रेंट पे है और ये घर 70 लाख रुपया का है, तो राजू तो खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेशन पूरे दिमाग में बैठा हुआ है कि 10 से 12% भी रिटर्न दे तो प्लॉट और फ्लैट से कहीं ज्यादा पैसा हमारे पास, जो कि बन भी चुका है, और आने वाले 5-6 साल में मेरे पास 5 से 6 करोड़ रुपया होगा। आपको इस तरह का कैलकुलेशन जानना है तो मेरे नंबर 9929-6461265 पे मुझे आप व्हाट्सएप करके क्वेरी कर सकते हैं और मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके अनुसार वो कैलकुलेशन करके आपको दूं। थैंक यू सो मच।